में आप सभी का स्वागत है। ये है फरमानी नाच और हाल ही में पकड़ी गई है फरमानी नाच को चोरी। यूट्यूब ने हटाया हर हर शंभू गाना। यह चोरी का गाना था हर हर शंभू गाना और जिसको फरमानी नाच ने गाया हुआ था, लेकिन यूट्यूब से अब हट चुका है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। फरमानी नाच को लोकप्रिय बनाने वाली हर हर शंभू गाना जीतू शर्मा द्वारा लिखा गया है, जिसे उन्होंने अभिलाषा पांडे से रिकॉर्ड कराया था। आज तक से बात करते हुए जीतू शर्मा ने कहा है कि उन्हें फरमानी नाच के गाने से दिक्कत नहीं है, बस गाने का क्रेडिट मिलना चाहिए था। तो यही पूरा का पूरा मामला था। तो यहाँ पर देखिए, हर हर समूह वाला गाना गाकर सुर्खियों में आई फरमानी नाच को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। फरमानी नाच के यूट्यूब अकाउंट से हर हर समूह गाना हटा दिया गया है। आखिर क्या वजह रही है कि उन्होंने इतना लोकप्रिय गाना अचानक फरमानी नाच के यूट्यूब चैनल से हटाया गया? तो क्यों हटाया गया गाना, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सावन के महीने में हर हर समूह गाने की गूंज हर घर में गूंज रही है। इस गाने को लोगों ने इतना पसंद किया कि फरमानी नाच रातों रात स्टार बन गई। फरमानी को उसके लिए कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों से धमकी भी मिली, लेकिन वो बिना डरे अपना काम करती रही। असल में बात ऐसी थी कि जिस गाने को लेकर फरमानी नाच को इतनी लोकप्रियता मिली थी, वो गाना उनका ओरिजिनल गाना नहीं था। गाने का जो राइटर थे वह जीतू शर्मा थे, और जीतू शर्मा का कहना यह है कि फरमानी नाच को लोकप्रिय बनाने वाला हर हर समूह गाना जीतू शर्मा द्वारा लिखा गया है, जिसे उन्होंने अभिलाषा पांडे से रिकॉर्ड कराया था। आज तक से बात करते हुए जीतू शर्मा ने कहा है कि उन्हें फरमानी नाच के गाने से दिक्कत नहीं है, बस गाने का क्रेडिट मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इसे लिखने में काफ़ी मेहनत किया है। तो आप समझते हैं कि जब वह कोई राइटर गाने को लिखता है, अगर उसका क्रेडिट नहीं मिलता है तो वह जैसी बात है वह नाराज़ होगा ही। फरमानी नाच को पता था कि ये गाना उनका ओरिजिनल नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगातार इस मुद्दे को लेकर इग्नोर करती रही। अब जीतू शर्मा के विरोध के बाद इन्हें यूट्यूब से गाना हटाना पड़ा, क्योंकि गाने की असली कापी राइट जीतू शर्मा के पास है। क्योंकि कापी राइट के तहत अगर आप किसी का कंटेंट वीडियो या फिर फोटो लेते हैं तो उसे आप बिना क्रेडिट दिए नहीं ले सकते हैं। कौन है जीतू शर्मा? तो देखिए, हर हर शंभू गाने के ओरिजिनल राइटर जीतू शर्मा उड़ीसा के रहने वाले हैं। उनके पिता सब्जी की दुकान लगाकर घर चलाते हैं। जीतू शर्मा उन मेहनती लोगों में से है जिनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा है, इसलिए वो सिर्फ 12वीं तो पढ़ाई पूरी कर पाए। जीतू शर्मा का पालन पोषण भले ही एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन उनके सपने बड़े हुए। बचपन से ही उन्हें गाने का काफ़ी शौक रहा, यही वजह उन्होंने 2014 में यूट्यूब चैनल शुरू किया और अपने गुरु आकाश के साथ गाने बनाने लगे। वही जब फरमानी नाच उनका गाना गाकर लोकप्रियता पाई और क्रेडिट भी नहीं दिया तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा। इसके बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया। तो यही आप पूरा का पूरा जानकारी है, और यूट्यूब से यह गाना हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ अभिलाषा पांडे का ही गाना है। धन्यवाद।